हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि इसका अगर वॉल्यूम निकालना, तो हम पानी में ना इसको डिप कर देते हैं, तो जितना ये अंदर जाएगा ना पानी उतना बाहर निकलेगा, ये तो सबको पता है, निकलेगा ना। तो इसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना पानी बाहर निकला है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? इसका वॉल्यूम जो होगा उतना ही वॉल्यूम का पानी इससे निकलेगा बाहर, आया समझ में? तो यही चीज़ हम करके देखते हैं। हमने स्केल का यूज करके वॉल्यूम कितना निकाला, 17.1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना आया स्केल का यूज करके। अब पानी का यूज करके हम निकालते हैं कि कितना आएगा वॉल्यूम, तो चेक करते हैं। चलो ये रहा हमारे पास फ्लास्क है, जो कि तुमको बताएगा कितना ml पानी इसमें आया है, ठीक है, इससे हटा है, मतलब इसको डुबाने के बाद। तो इसको यहाँ पे रखते हैं, पानी लेवल कर लिया। आप जरा सा भी, थोड़ा सा भी अगर इसमें कुछ डालेंगे ना, तो उतना पानी बाहर आ जाएगा, समझ में आया ये चीज़? तो इसको हम डालते हैं, जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना पानी बाहर निकलेगा, और फिर मैच करेंगे कि दोनों सही हैं कि अलग अलग रिजल्ट है। इसको आराम से डिप कर दिया, ठीक है, लगभग ये हो गया ना, अब नहीं निकल रहा ना पानी, ये हो गया। तो इसका मतलब इतना ही, जितना इसका वॉल्यूम था उतना पानी ये बाहर क्या हो चुका है, निकल चुका है, ठीक है। तो अब इसको मेजर कर लेते हैं, इसको निकालिए और यहाँ पे देखो, इधर करो, हाँ यहाँ पे लगभग 20 के नीचे है, थोड़ा सा नीचे, यहाँ इधर प्लेन पे रखते हैं। तो ये देखो 20 से थोड़ा सा नीचे, मतलब 17 के आसपास, 17 ml के आसपास जो है इसका वॉल्यूम तुमको दिखा रहा है पानी का। तुम लोग भी चेक कर सकते हो, देखो जरा 20-40 ऐसा लिखा हुआ है ना, उसके नीचे है ना, 20 के नीचे 17 ml है। उधर पीछे भी दिखा दो, पी मत जाना, ये ला, लेवल करके देखना, ठीक है। हाँ कितना आ रहा है, 20 से नीचे है ना, ठीक है, पीछे दे दो, कितना है, हाँ लगभग 17 ml इतना दिखा रहा है। तो 17 ml मतलब क्या, 17 मिलीलीटर, कितना, 17 मिलीमीटर, मिलीलीटर, ओके। और 17 मिलीलीटर जो होता है वो कन्वर्जन ऐसा है कि 1 मिलीलीटर वो इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। 1 ml किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml, तो 17.1 सेंटीमीटर क्यूब कितना ml, 17.1 मिलीलीटर है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 17 पॉइंट, ये आ जाएगा 17.1 ml। तो तुमने यहाँ से चेक किया था ना कितना आया था, लगभग 17 ml है ना, तो 17 ml है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, 17 ml या फिर 17 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हम ऐसे ही करके दूसरे ऑब्जेक्ट का भी वॉल्यूम पता कर सकते हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये देख, इसको अब निकाल लेते हैं, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। और चलो तुम इसका डायमेंशन बताओ क्या होगा, इधर लिख देंगे, ठीक है, अच्छे से मेजर करना, पाँच, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर, और 0 मिला करके करना, 2.7, ठीक है, 2.7 सेंटीमीटर, और वो तो मेजर कर ही लिया ना, अब इसका ये वाला ना मेजर करोगे, अब ऐसा हाइट
1.8 सेंटीमीटर, ठीक है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इससे पहले वॉल्यूम पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम आएगा, ये आ जाएगा 23.328। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, 33 कर लेते हैं। ठीक है, इतना, ये क्या सेंटीमीटर क्यूब ना, कितना आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको यही पानी से भी हम मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, पानी ये रहा, फिर से इसको लेवल करना पड़ेगा कि ऐसे ही डाल दें, इसमें लेवल करना पड़ेगा ना। ठीक है, इसमें पानी रखे कि फेंक दे, इसका पानी फेंकना पड़ेगा ना। ठीक है, ये फेंक दिया पानी, अब इसको लगाएं यहाँ पे, है ना, ये डूबेगा कि नहीं, रबड़ है लगभग, ये डूब जाता है, ये भी डूब जाता है। ठीक है, तो इसको हम डिप कर देते हैं इसमें। ओहो, थोड़ा सा बाहर निकल गया था पानी। कितना आ रहा है 23.33, ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है जी 25 आ गया, 30 आ गया, ये तो कैसे मीजर बैठ गया रुको हम मीजर करते हैं, कौन मीजर करेगा बताओ इसको सही से, ये कितना है देखो ज़रा, 20 से थोड़ा सा कम, ठीक है, मतलब 19 के आसपास है, जो कि चलेगा। ठीक है, 18.62 मतलब 19 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं ना इसको, 19 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 19 ml, इसी को क्या बोल सकते हो, कितना ml, 19 ml मतलब 19 मिलीलीटर और 19 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों सेम ही है। ओके, तो ये करेक्ट। और इस चीज़ का यूज करके, ये पानी का यूज करके तुम डेंसिटी भी पता कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, डेंसिटी पता करने के लिए तुमको एक और चीज़ चाहिए, वेइंग मशीन। वेइंग मशीन देखा है ना, वो छोटा वाला जो वेइंग मशीन आता है किचन वाला, तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं वो भी हम फॉर्मूला देखेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर तुमको वॉल्यूम पता है, ठीक है, वॉल्यूम पता है, मास पता है, तो वो वेइंग मशीन से क्या पता चलेगा, मास। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, तो मास पता कर लेंगे वेइंग मशीन से, वॉल्यूम पता कर लेंगे इससे, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डेंसिटी। ठीक है, और वो डेंसिटी तुमको बताएगा, जैसे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक जो है वो बहुत भारी है और एक हल्का है, तुम लोग चेक कर सकते हो, देखो तो है, दोनों का सेम साइज़, दोनों का सेम है, लेकिन एक भारी है, बहुत भारी है, ये वाला जो है बहुत भारी है, और ये बहुत हल्का है। ये किस चीज़ का बना हुआ है, लोहा है ये, और ये क्या है, एल्यूमिनियम है ये, इसलिए इतना हल्का है, इससे लग रहा है कि 3-4 गुना भारी होगा, है कि नहीं, ये लोहा, तो एल्यूमिनियम हल्का होता ही है ना, इसीलिए। तो उसमें हम ये पता करेंगे कि डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, लोहे का कि एल्यूमिनियम का, तुमको क्या लगता है किसका डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, लोहे का एल्युमिनियम का। हाँ ठीक।